मिल रही है। नोएडा में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। संवाददाता महेंद्र माही की एक खास रिपोर्ट देखिए। और आसपास के इलाकों में जिस तरीके का मौसम बना है उससे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोग काफ़ी परेशान थे। जो टेम्परेचर था वो 47 के पार पहुंच जा रहा था, मगर आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 27 तारीख से जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं वहाँ का जो मौसम है वो बदल जाएगा, बारिश के अनुमान होंगे और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का मौसम बना है। जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मौसम का जो आनंद है अब बच्चे ले रहे हैं। और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी लोग उससे परेशान हैं, अब कहीं ना कहीं उस गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। सुबह का वक्त है जो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो चुका है। बारिश के साथ जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उसका जो बच्चे हैं बहुत आनंद ले रहे हैं। और जो गर्मी नोएडा एनसीआर में पड़ रहे थे उसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सड़कों पे लोग नहीं निकल रहे थे। यही वो समय होता था जब टेम्परेचर 47 के पार पहुंच जाता था, कुछ ऐसे इलाके होते थे जहां 50 तक पहुंच जाते थे, मगर जिस तरीके से अब मौसम बदला है, मौसम ने जो करवट लिया है और आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की जो बारिश है वो होगी, इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस मौसम से, इस बारिश से जो लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दो दिन बाद जब वीकेंड होगा यानी कि जब शनिवार संडे होगा तो लोग और भी इस मौसम का आनंद लेने बाहर जाएंगे और लोग सड़कों पर बाहर निकलेंगे। क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से हम देख रहे थे किस तरीके से सुबह के वक्त ही जो धूप होती थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जो टेम्परेचर था 47 के पार पहुंच जाता था। मगर अब जिस तरीके से IMD ने कहा था कि 27 तारीख से दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में जोरदार बारिश होगी, जो टेम्परेचर है वो 27-28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और जो अधिकतम तापमान होगा वो 32 तक रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखिए इस मौसम का हर कोई आनंद ले रहा है बेसब्री से। बारिश का दिल्ली NCR के लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बारिश ने और जो मौसम ने करवट ली है उससे लोगों को राहत बहुत ज़्यादा मिली है। इंडियन न्यूज़ से मैं। तो प्रदेश के कई जिलों में लगातार मौसम का मिजाज बदला है, ऐसे में ग्रेटर नोएडा में भी झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। संवाददाता रजत कुमार की रिपोर्ट देखिए। NCR में मानसून की दस्तक के बाद बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी झमाझम बारिश है वो आपको नजर आ रही होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, घरों में कैद थे, तो अब कहीं ना कहीं उमस और गर्मी से NCR में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं, ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो शिमला और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदाबांदी है, बारिश है वो हो रही है, तो ऐसे में जिस तरीके से टेम्परेचर का जो 40 से 45 डिग्री नापी जाती थी आज वहीं ग्रेटर नोएडा में 30 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद राहत मिली है। लोग हैं जो उस बारिश का लुक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज ग्रेटर नोएडा। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से और इसके साथ ही गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। आपको सीधे गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद से देखिए हमारे संवाददाता वैभव शर्मा की खास रिपोर्ट। जिस मानसून का इंतजार एक लंबे अरसे से चल रहा था उस मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है। ऐसा मौजूद हूँ गाजियाबाद के अंदर जहाँ इस समय काफी तेज बारिश हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय यहाँ क्या कुछ स्थिति मौजूद है। इसमें मौजूद हूँ विजयनगर के जौशाला अंडरपास के पास जो हमेशा से ही जल भराव के लिए फेमस रहा है। यह अंडरपास वो अंडरपास है जहाँ पर कई लोगों की डूबने के कारण मौत भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू होते ही यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। नगर निगम एक लंबे अरसे से इंतजार कर कोशिश कर रहा है कि जल भराव को रोका जा सके, लेकिन ये जल भराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर लगातार जल भराव होना अभी से ही शुरू हो गया है।
फिलहाल मानसून ने दस्तक दे दी है और अब देखना है इस दस्तक के बाद गाजियाबाद की स्थिति कैसी होती है, क्योंकि जलभराव की स्थिति से लड़ने के लिए नगर निगम काफी समय से तैयारियों में जुट गया था, लेकिन अब सामने आएगा कि उनकी तैयारियों में कितना दम था। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं दिल्ली में भी लोग भीषण गर्मी से त्राहिमाम कर रहे थे, ऐसे में मौसम का मिजाज बदला है और इसके साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से देखिए आरजू संवाददाता आरजू की खास रिपोर्ट। दिल्ली में मौसम बदल गया है, एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली वालों को इस बारिश ने दी है। इस वक्त की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो काफी तेज बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी में हो रही है, जिससे जो गर्मी चिलचिलाती गर्मी थी उससे बड़ी राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिली है। और लगभग आपको बता दें बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था, उसी को देखते हुए अनुमान जो है वो एकदम सही बैठा है और तेज बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी में देखने को मिल रही है। तस्वीरें अगर दिखाएं तो पूरी रोड पे झमाझम बारिश जो है वो हो रही है और पानी जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से लोगों को इस बारिश से जूझना पड़ रहा था, गर्मी से जूझना पड़ रहा था, उससे बड़ी राहत जो है राजधानी वालों को मिली है। फिलहाल दो घंटे तक इसी तरीके का मौसम जो है वो राजधानी का बना रहेगा, इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो बेहद छाता जो है वो अपने साथ रखेगा और अपना बेहद ध्यान रखेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो इस वक्त देश के तमाम राज्यों में बारिश का जो दौर है वो जारी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड तमाम राज्यों में इस वक्त झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, लखनऊ में इस वक्त मौसम को लेकर क्या जानकारी है? रवि हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे रवि का रुख करते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ सचिन जुड़ेंगे लाइव। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए सचिन, मौसम को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए जिस प्रकार से जो है मौसम की बात करें तो मौसम में इस समय जो है लगातार जो है बारिश हो रही है। उत्तराखंड के अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे गढ़वाल की बात करें या कुमाऊं की बात करें, तो अभी लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ, जहां पर केदारनाथ, भगवान केदारनाथ का धाम है, वहां पर भी इस समय जो है बारिश हो रही है। वहां चोपता की बात करें तो चोपता में भी रुद्रनाथ भगवान, तुंगनाथ भगवान का मंदिर है, वहां पर भी इस समय बारिश देखने को मिल रही है। अधिकांश जो क्षेत्र है, देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी इस समय जो मसूरी है, मसूरी में भी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन जहां लोग गर्मी से परेशान थे, लगातार जो है हीट वेव के कारण परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली है। और वहीं ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया है मौसम विभाग ने, और साफ तौर से चारधाम यात्रा को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर भी अलर्ट जारी किया है कि अगर किसी श्रद्धालु को अगर यात्रा कर, अगर चारधाम यात्रा करनी है तो सबसे पहले जो है मौसम की जो है अपडेट देखें, उसके बाद जो है आगे बढ़े। क्योंकि और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि जो नदी और नाले वाले जो जगह है वहां पर भी बिल्कुल जो श्रद्धालु हैं बाहर से आने वाले जो लोग आते हैं उत्तराखंड में, वो नदी नालों के पास बिल्कुल भी ना जाए। वहीं तेज बौछार के साथ लगातार जो है अभी बारिश देखने को, पिछली बार भी बारिश देखने को मिली थी दो तीन दिनों में, लेकिन आज भी जो है लगातार बारिश हो रही है। आज 27 तारीख है, 27 से लेकर जो है 3 जुलाई तक जो है मौसम में जो है बारिश देखने को मिलेगी। और वो आप कुमाऊं में आते हैं तो कुमाऊं में भी लगातार कई इलाके ऐसे जहां पर बारिश देखने को मिल रही है। हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी बारिश देखने को, वो कुल मिला के अब देखा जा सकता है कि अब मानसून का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी ठीक है सचिन, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने उत्तराखंड के तमाम जिलों को लेकर जानकारी दी है मौसम को लेकर, और अब रवि का रुख करूंगी। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, लखनऊ में इस वक्त मौसम को लेकर क्या जानकारी और पूरे प्रदेश को लेकर क्या जानकारी, प्रदेश में इस वक्त मौसम का मिजाज किस तरह से नजर आ रहा है? रवि, रवि अनम्यूट करिए, खुद को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए निश्चित तौर पर 23 जून से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून को दस्तक देनी थी, हालांकि अब दो दिन पहले कुछ बारिश जरूर हुई थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 26-27 जून को जरूर कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि लखनऊ समेत आसपास के जिलों में है वो बारिश होगी। हालांकि कल तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आज भी माना जा रहा है कि आज कुछ सुबह से ही मौसम है वो सुहाना है, आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी कुछ ही देर पहले थोड़ी सी धूप ने झलक जरूर दिखाई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी जरूर सुबह से हो रही थी। हालांकि मौसम भी ठीक है, और अगर बात करें तो हवाएं भी चल रही हैं, और ये माना जा रहा है कि आज कुछ बारिश हो सकती है। फिलहाल अब कह सकते हैं कि आज और कल या आने वाले दिनों में बारिश के होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अब बारिश आने का वक्त हो चुका है। फिलहाल कई जिले ऐसे हैं जहां पर
तेज बारिश हो सकती है, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर जो बौछार के साथ है बरसात है वो होगी। फिलहाल अब मौसम में बदलाव है वो देखने को मिलेगा। हालांकि बीते दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह की भीषण गर्मी हो रही थी और आसमान से जो आग बरस रही थी उससे राहत जरूर है, तापमान में कुछ कमी जरूर है और पिछले दिनों के मुकाबले में जो गर्मी के हालात थे उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। दो से तीन दिनों में काफी मौसम में बदलाव देखने को मिला और आज भी सुबह से ही मौसम है काफी बदला हुआ है। सुबह से हल्की सी बूंदाबांदी सी जरूर नजर आई थी और माना जा रहा है कि आज दिन का वक्त है तो कुछ लखनऊ समेत आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ये भी मौसम जानकारों ने साफ किया कि आने वाले दिनों में अब बारिश है वो होती रहेगी, तो जाहिर है कि अब गर्मी से तो राहत मिलने वाली है। फिलहाल अब बारिश का दौर है वो शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को जो बारिश का इंतजार था यानी कि मानसून का इंतजार था वो करीब करीब खत्म होने को है। अब बारिश के साथ ही मौसम में जहाँ बदलाव होगा वहीं गर्मी से भी कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिल रही है। जी ठीक है रवि, बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद से अनिल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, इस वक्त गाजियाबाद में मौसम को लेकर क्या जानकारी है और इसके साथ ही जरा ये भी बताएं कि अभी बारिश का जो दौर है वो कब तक रहने वाला है, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो 47 डिग्री का टेम्परेचर झेल रही थी, कहीं ना कहीं आज सुबह से ही बारिश हुई है तो राहत लोगों को मिली है क्योंकि चिपचिपाती गर्मी लोगों को बेहद परेशान कर रही थी, साथ ही लोग बीमार भी हो रहे थे, तो राहत कहीं ना कहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिन इस तरीके के बने रहने वाले हैं और साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है बरसात को लेकर। अब साथ ही देखना ये होगा किस तरीके की तैयारियां गाजियाबाद जिला प्रशासन और नगर है क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है, एक तरफ बारिश राहत की सांस लेकर आई है, जल भराव की स्थिति में भी आ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे, जल भराव दिखाई देगा, जो लोग हैं छाता लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि जो मौसम है बेहद सुहावना हो गया है, तो लोग उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 47 डिग्री का टेम्परेचर आम जनता झेल रही थी, लगातार लोग परेशान थे, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को आज सुबह से ही राहत मिली है क्योंकि बारिश दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर लोग बेहद परेशान थे, उनकी मजबूरी भी होती है क्योंकि नौकरी पेशे वाले लोग ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि घर से बाहर निकलना है, और सबसे ज्यादा जो परेशान जो लोग हुए उनके तबके के लोग हुए जो लेबर क्लास लोग हुए उनकी मजबूरी होती है वो घर से बाहर निकलेंगे, उनको काम करना ही पड़ेगा। तो आप तस्वीरें कहीं ना कहीं राहत भरी है आज की गाजियाबाद की। चलिए तमाम जानकारी के लिए सचिन, रवि, अनिल, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना